अगे वधांगे कोटकपुरा गोलीकांड मामले नाल जुड़ी अगली खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ विच एसआईटी सामने साबका डीजीपी सुमेध सैनी पेश होए ने। सैनी तो कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच सवाल जवाब किए गए। एक लंबी लिस्ट एसआईटी कोल सी सवालों की, कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच साबका डीजीपी सुमेध सैनी तो पुछगिछ की गई। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में चंडीगढ़ के सैक्टर 32 एसआईटी सामने साबका डीजीपी सुमेध सैनी पेश होए। हालांकि समा सी 11 बजे का, पर 11:30 बजे पेश होए। एक लंबी लिस्ट एसआईटी दे कोल भी सवालों की, उन्हां तमाम सवालों का जवाब लैण की पूरी कोशिश विच एसआईटी सैनी तो कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सवाल जवाब किए गए। इस तो पहला जदों एसआईटी ने साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं बुलाया सी, उस समय सुमेध सैनी ने कहा सी कि मैं किसे केस के कारण दिल्ली हाँ, तो 3 हफ्ते का समा मंगिया सी ते अज पेश होए ने। साडे सहयोगी अंकुश वधेरी जानकारी देने लई साडे नाल जुड़ गए ने। जी अंकुश, इस समय का की अपडेट है? चंडीगढ़ विच एसआईटी सामने अज साबका डीजीपी सुमेध सैनी पेश होए ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच। जी बिल्कुल नीलम, पिछले लगभग 1.5 घंटे तो सुमेध सिंह सैनी एसआईटी के सामने पेश हुए हुए हैं। उन्होंने सामने सवालों की एक वड्डी फेरिस्त जी जानकारी सानू सूत्रों द्वारा तो मिल रही है रखी गई है। तो सुमेध सिंह सैनी तो सारी जी पूछगिछ की जा रही है। दरअसल पूरा मामला कोटकपुरा गोलीकांड के नाल जुड़िया हुआ है, जिसकी एसआईटी की जी प्रधानगी है वो एलके यादव ने दी गई थी। तो एलके यादव की प्रधानगी जी एसआईटी बनी है, उन्होंने वालों ही जी 3 मैंबरी कमेटी है वो एसआईटी है, उन्होंने वालों ही जी पूछगिछ की जा रही है। तो सुमेध सिंह सैनी उस वे जो बड़ा पूरा वाक्य है 2015 का वाक्य है 14 जून का, जो कोटकपुरा जरा गोलीकांड होया सीगा ते उहदे विच इंजर्ड होए सीगे लगभग 100 के करीब जोड़े लोग इंजर्ड होए थे। उसी मामले के जी पूछगिछ की जा रही है। इस तो नाल जी बैबल कला गोलीकांड मामला सीगा जिस दो लोगों की मौत हुई थी, उस मामले के आई जी नौनिहाल सिंह की जी एस आई टी है वो बनी थी जी, लेकिन इस मामले के जी एलके यादव की प्रधानगी जी एस आई टी बनाई गई थी, उन्होंने वालों पूछगिछ की जा रही है। तो लगभग 11:30 बजे जे सुमेध सिंह सैनी जे पहुंच गए थे, तो लगातार उस तो बाद उन्होंने जी पूछगिछ एस आई टी सामने चल रही है। जी बिल्कुल अंकुश, 1.5 घंटे तो पूछगिछ चल रही है चंडीगढ़ में एस आई टी सामने साबका डीजीपी सुमेध सैनी पेश हुए ने। फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश। सैनी तो कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे तो यानी कि 11:30 बजे तो ये पूछगिछ चल रही है। कुछ ही समय में साफ होगा कि कुछ उन्होंने तो सवाल किए गए, कि कुछ सामने आएगा, कि कुछ खुलासे होंगे, ये कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में चंडीगढ़ के सैक्टर 32 एसआईटी सामने साबका डीजीपी सुमेध सैनी पेश हुए ने। अगे वधांगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान दा विधायकां नाल मंथन, वख-वख हलकियां दे विधायकां नाल मीटिंग कर रहे ने मुख्यमंत्री भगवंत मान। हलकियां दे मुद्दियां नूं लै के विचार वटांदरा कीता जा रहा है। सरकार दे कम्मां दी फीडबैक लै रहे ने सीएम मान। मुख्यमंत्री भगवंत मान विधायकां नाल मीटिंग कर रहे ने, वख-वख हलकियां दे विधायकां नाल फिलहाल मीटिंग जारी है। हलकियां दे मुद्दियां नूं लै के विचार वटांदरा कीता जा रहा है। सरकार दे कम्मां दी फीडबैक सीएम मान लै रहे ने, वख-वख विधायकों नाल मंथन कर रहे ने, जो जो मुद्दे ने पर्टिकुलर हलके दे और डिस्कस किए जा रहे ने। मीटिंग चल रही है सीएम भगवंत मान दी विधायकों दे नाल, हलकियां दे मुद्दियां नूं लै के विचार वटांदरा किया जा रहा है। सरकार दे कम्मां दी फीडबैक भी लै रहे ने सीएम मान, की कुछ मुद्दे ने उस पर्टिकुलर हलके दे, की कुछ समस्यावां ने, उस सब दा डिस्कशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा विधायकों नाल मंथन इस समय जारी है, वख-वख हलकियां दे विधायकों नाल मीटिंग जारी है। हलकियां दे मुद्दियां नूं लै के विचार वटांदरा किया जा रहा है। सरकार दे कम्मां दी फीडबैक सीएम मान लै रहे ने, किस तरह काम हो रहा है हलकियां दे विच ओह पूरी जानकारी विधायकों तो लई जा रही है, क्योंकि करीबन 4 महीने का समा हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं, ते लगातार जो जो काम होए ने किस तरह हो रहे ने जमीनी पद्धर से, आखिर की हकीकत है, उन्होंने तमाम गल्लां दा जायजा ले रहे ने। अगे वधांगे सवालों विच।